मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम DMM यानी कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं। ये सीरीज जो बच्चे CBT एग्जाम की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल हैं। CBT एग्जाम में आज तक जितने भी CBT एग्जाम हुए हैं उनमें इन क्वेश्चन सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो हम उम्मीद करते हैं अब की बार भी जो CBT एग्जाम होंगे उसमें इस सीरीज में से सभी क्वेश्चन आएंगे। तो जो बच्चा पूरी सीरीज को देख लेगा तो मैं गारंटी देता हूं उसके CBT एग्जाम में 90% से ऊपर मार्क्स आएंगे। और इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो किस बेस पे लिए हैं, निम्मी बेस्ड लिए हैं। हालांकि इसकी PDF आपको मिल जाएगी लेकिन PDF में कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रखा, खाली आंसर बता रखे हैं। लेकिन हम इन वीडियो में सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके विद डायग्राम उनको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप उन क्वेश्चनों को ना भूलो, आपके क्वेश्चन वो दिमाग में फिट हो जाए, इस तरीके से हम करते हैं। तो जो बच्चा पहली बार आया है हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उसको आगे आने वाली जो वीडियो उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और जो पहले की जो वीडियो है हमारी 4 वीडियो उनको भी जरूर देख ले ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। PDF और दूसरी अपडेट के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल वो भी ज्वाइन कर ले। और अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो के हमारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस प्रकार हैं, आप सभी को पता है कि हम पिछली जो वीडियो है उनमें से क्विज के 2 क्वेश्चन पूछते हैं। इन क्विज के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। ये भी जो 2 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो से लिए यानी कि वीडियो नंबर 4 से लिए हैं। व्हाट इज द स्ट्रेट एंगल, कौन सा कोण सीधा होता है, इसको हम साधारण कोण भी बोलते हैं, रेखीय कोण भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तो जिस बच्चे ने पिछली वीडियो बहुत ध्यान से देखी है और जो बच्चा मानता है कि मुझे सारे क्वेश्चन याद हैं तो इस कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन का आंसर देके मुझे बताए कि वो सच में ही इंटेलिजेंट है और उसके वो सारे जो क्वेश्चन पीछे कर लिए उसने सारे के सारे याद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विज का, क्विज नंबर 2, विच इज एन एक्यूट एंगल, एक न्यून कोण कौन सा है। इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि एक्यूट एंगल कौन सा है, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 220 डिग्री और 180 डिग्री में से बताना है। तो अब चलते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यदि त्रिभुज की भुजाएं समान हो तो वह किस प्रकार की त्रिभुज है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझाने के लिए मैंने आपके एक त्रिभुज बना भी दी है। ये त्रिभुज वो है जिसकी तीनों जो साइड है 1, 2, 3 ये क्या है, बराबर है। बराबर कैसे, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर की। अगर तीनों भुजाएं बराबर तो एंगल भी क्या होंगे उसके बराबर होंगे, कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो इस तरह की त्रिभुज को क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके पास है आइसोस्केलिस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। यस, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, सारे कोण बराबर होते हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं यानी कि समबाहु, बाहु मतलब भुजाएं, सम मतलब बराबर, जिसकी सभी भुजाएं सभी साइड्स हैं वो बराबर हैं उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सी पे हम टिक करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे जिसकी केवल 2 भुजाएं समान हो। आपको समझाने के लिए डायग्राम भी बना दिया इसकी, जो आमने से ये जो भुजा है 2 भुजाएं बराबर है, ये तीसरी भुजा के बराबर नहीं है। जैसे मान लें ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये कुछ और होगी 4 सेंटीमीटर या 6 से कुछ भी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है लेकिन बराबर नहीं है। तो इस तरह की त्रिभुज को क्या कहेंगे, इस तरह की त्रिभुज को हम बोलते हैं हिंदी बोलते हैं समद्विबाहु। देखो ये रहा नाम, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केलिस ट्रायंगल, आइसो का मतलब 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो हमारे चैनल पर एक वीडियो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के नाम से, वो वीडियो भी जरूर देख लें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो पे जा सकते हो। उस पे आपको डिफरेंट 6 तरह की ट्रायंगल है, सभी ट्रायंगल को बहुत अच्छे से कैसे बनाना है और कैसे उनके बीच में डिफरेंस होता है वो बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर वो वीडियो कर लोगे तो आपसे कोई भी ट्रायंगल पूछी जाए उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। देखो ये भी ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है, विच इज द ट्रायंगल दैट हैज इट्स 3 एंगल्स इंडिविजुअली लेस देन 90 डिग्री, वह त्रिभुज कौन सी होगी जिसके तीनों कोणों का जो व्यक्तिगत रूप है वो 90 डिग्री से कम है। समझाने के लिए मैंने आपको एक फिगर दे रखी है, इसमें देख सकते हो जो तीनों कोण है ए कोण बी कोण सी ये 90 डिग्री से कम है, ये 65 बना रखा है, ये 40 बना रखा है, ये 75 डिग्री, लेकिन तीनों क्या है
तीनों क्या हमारे लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम ही कम है। तो इस तरह की ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, देखो 90 डिग्री से जो कम का कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्यूट एंगल। और जिस ट्रायंगल के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसको हम बोल देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल को हिंदी बोलते हैं न्यून कोण, तो हिंदी में क्या हो जाएगी, न्यून कोण त्रिभुज। देख लेते ऑप्शन में कहा, ये रहा बी पे, बी पे हम टिक करेंगे। हिंदी में इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल नहीं, यहां पर आपको ये मिल सकता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, व्हाट इज द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल, एंगल को मेजर, कोणों को मापने के लिए किस ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। डायग्राम में दिखा भी रखा है मैंने आपको समझाने के लिए, इसको क्या कहते हैं। देखो ये एंगल को मापने के लिए भी यूज करते हैं और बनाने के लिए भी यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यस क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। देख लेते हैं कहां, ये रहा बी ऑप्शन में चंदा, इसको बोलते हैं। तो किस पे टिक करेंगे, बी पे टिक करेंगे, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को पिछली वीडियो में हम दो बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, हाउ मैनी मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ ट्रायंगल, त्रिकोण को परिभाषित करने के लिए कितने माप की आवश्यकता होती है। देखो भाई अगर आपको कोई त्रिभुज बनानी हो या उसको डिफाइन करना हो तो आपको कितने माप चाहिए, कम से कम कितने माप चाहिए, तीन माप चाहिए। या तो आपको दो साइड्स पता हो और एक एंगल पता हो, या आपको थ्री साइड्स पता हो, या आपको एक साइड पता हो दो एंगल पता हो, या तीन एंगल पता हो। यानी कि आपको कम से कम, देखो दो प्लस एक तीन, या तीन वन प्लस टू, यानी कि आपको तीन चीजें तो जरूर पता होनी चाहिए कोई ट्रायंगल अगर आपको बनानी है डिफाइन करनी है तो कितनी मेजरमेंट चाहिए, तीन चाहिए। ऑप्शन में देख लेते हैं, सिक्स नहीं, फोर जी नहीं, थ्री मेजरमेंट, यस थ्री माप चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज को, नाम भी है त्रिभुज, त्रि का मतलब तीन, ट्राई एंगल यानी कि ट्राई का मतलब तीन होता है, तो तीन मेजरमेंट चाहिए हमें इसको डिफाइन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, व्हाट इज द थर्ड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 112 डिग्री, यदि किसी त्रिभुज का के दो कोणों का योग 112 डिग्री है तो उसका तीसरा कोण क्या होगा। यह आपने बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों जो कोण है उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो कोणों का जोड़ दे रखा है 112 डिग्री, तो तीसरे का पता करना हो तो क्या करेंगे हम, इस दो कोणों का जो योग है इसको घटा दो, किसमें से 180 डिग्री में से घटा दो, तीसरा कोण आपके पास आ जाएगा। 10 यहां से हम 10 ले जाएंगे, दो घटेंगे 8 हो जाएगा, यहां 7 रह जाएगा, 7 में 6 कितना आ जाएगा, 68 डिग्री। तो जो तीसरा कोण है वो कितना है, 68 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपको यह पता है कि ट्रायंगल के त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ है जो योग है वो कितना होता है 180 डिग्री, तो आप इसको आसानी से कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, व्हाट इज द प्लेन फिगर बाउंड बाय अ कर्व फॉर्मड बाय द लोकस ऑफ ए पॉइंट दैट मूव सो दैट इट इज ऑलवेज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट ऑफ इट्स सेंटर, एक बिंदु के स्थान द्वारा निर्मित एक वक्र द्वारा बंधी एक समतल आकृति को क्या कहेंगे जो चलती है ताकि वह हमेशा एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित हो। समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम भी बना दिया है। देखो ये कह रहा है कि एक निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु है, यहां से मैं कोई डिस्टेंस लेता हूं और यहां मैं ऐसे चलता हूं और एक आकृति बनती है। भाई देखो ये डिस्टेंस जो है हमेशा यहां से बराबर रहेगा, ये जो डिस्टेंस है इस बिंदु से और इसका डिस्टेंस जो है हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और ऐसे घूमता रहूंगा मैं तो जो आकृति बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, अलिप्स जी नहीं, पैराबोला जी नहीं, सर्कल यस वृत्त। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। इस तरह की आकृति को हम सर्कल बोलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन को पूछा ही इसी तरह से गया है, लेकिन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, व्हाट इज द लाइनर लेंथ ऑफ ए एंटायर कर्व दैट इज इक्वल टू पाई डी, पूरे वक्र की लाइनर लंबाई जो कि बराबर होती है पाई डी के, जो पाई डी, अभी आपने देखा था जो एंटायर कर्व है, लाइनर लेंथ, कर्व मतलब एंटायर कर्व, तो ये था, तो जो अभी देखा आपने इसमें देखा था, मैं इसको इरेज करके दिखाता हूं आपको। अभी क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है जो एंटायर यानी कि ये ऐसे घूमता है ये किसके बराबर है, पाई डी के बराबर है इसका। अगर आपको ऐसे लंबाई मापनी हो इसके पूरे को, इसको हम पाई डी मतलब पाई को इसके डायमीटर से गुणा कर देंगे,
तो हमारी लंबाई आ जाएगी और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो 22/7 से सर्कल का जो डायमीटर उसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, उसका नाम बताना। तो क्या आता है वो, कोर्ड जी नहीं, सेक्टर जी नहीं, सर्कमफेरेंस, उसको हम परिधि बोलते हैं। तो सर्कल की जो परिधि है वो किसके बराबर होती है, पाई डी के बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ए सर्कल बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑन इट्स सर्कमफेरेंस ऑफ पेरिफ्री। परिधि पर किसी भी बिंदु के बीच चक्कर का जो हिस्सा है उसको क्या कहेंगे। समझाने के लिए मैंने डायग्राम भी बना दिया। देखो सर्कमफेरेंस ये है भाई, इस सर्कमफेरेंस में मान लेते दो बिंदु हैं ए और बी, इनको मिला दे तो इस जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चाप। तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं, कोड जी नहीं आर्क एरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। जब भी सर्कमफेरेंस है सर्कल का और उनके दो बिंदुओं को मिला दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, व्हाट इज द टर्म फॉर द लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ ए सर्कल। किसी भी वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा है उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके पास सर्कमफेरेंस, सेक्टर, डायमीटर या कोर्ड। देखो पहले समझो कोर्ड क्या होती है, जीवा क्या होती है। सर्कमफेरेंस पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर मिला दूंगा, देखो दो बिंदु ये मैंने बना दिए, इनको मैं मिला दूंगा तो ये जो लाइन खींची है मैंने, इसको हम कोर्ड बोलते हैं। ये ऐसे भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ये जितनी भी मैं खींच रहा हूँ ये सारी की सारी कोर्ड है, ऐसे खींचूं ऐसे खींचूं, लेकिन ये सर्कमफेरेंस के दो बिंदुओं को मिलाने चाहिए। तो इसमें पूछा गया लॉन्गेस्ट कोर्ड, जो लॉन्गेस्ट कोर्ड है वो कब होगी, जब ये जो लाइन खींच रहे हैं हम कहाँ से जाए, सेंटर से जाए, कहाँ से जाए, सेंटर से। ये जो कोर्ड मैंने खींची है ये जो है सबसे लंबी है भाई, जो ये कोर्ड बना रखी है ब्लैक कलर की, ये सबसे लंबी, इससे लंबी कोई कोड नहीं हो सकती सर्कल की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायमीटर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। तो जो लंबी कोड है वो किसके बराबर हो सकती है, डायमीटर के, सर्कल के डायमीटर से। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा सी में डायमीटर यानी कि व्यास। तो जो लंबी कोड है वो किसके बराबर हो सकती है, डायमीटर यानी कि व्यास के, इससे लंबी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, व्हाट इज द टर्म फॉर अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द एंड्स ऑफ ए आर्क ऑन द सर्कल। एक सर्कल पर एक चाप के सिरों को जोड़ने वाली सीधी रेखा के लिए क्या शब्द होता है। समझाने के लिए ये मैंने डायग्राम बनाया है, पिछली वीडियो में आपको समझाया भी था। सर्कमफेरेंस पर दो बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, कोर्ड बोलते हैं। ये हम पिछले क्वेश्चन में समझ भी चुके हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं, सर्कमफेरेंस जी नहीं, सेक्टर जी नहीं, डायमीटर जी नहीं, ये रहा कोर्ड, और कोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72, व्हाट इज द नेम ऑफ द कर्व दैट हैज जीरो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए कर्व दैट हैज जीरो एसेंट्रिसिटी, बस इतना होना चाहिए, इक्वल टू 1 तो अलग ही आ जाएगा। तो आपने उस कर्व का नाम बताना है जिसकी एसेंट्रिसिटी ई की जो वैल्यू है वो जीरो है। तो एसेंट्रिसिटी किसके लिए जीरो होती है, वो होती है हमारी सर्कल के लिए जीरो। उसमें देख लेते हैं, एलिप्स जी नहीं, पैराबोला जी नहीं, हाइपरबोला जी नहीं, सर्कल ये रहा वृत्त। तो जो एसेंट्रिसिटी है जो जीरो होती है वो किसके लिए, वृत्त के लिए होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी के लिए भी समझ लेते हैं। देखो अगर पूछ ले एसेंट्रिसिटी लेस देन 1, अगर एक से कम है तो वो एलिप्स के लिए होती है। अगर इक्वल टू 1 पूछ ले वो पैराबोला के लिए होती है। अगर ग्रेटर देन, भाई एक से ज्यादा एसेंट्रिसिटी है तो हाइपरबोला के लिए होती है। तो चारों का आपको पता होना चाहिए। अगर एसेंट्रिसिटी जीरो है तो वो सर्कल होगा, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो वो हमारा एलिप्स होगा, और अगर वो इक्वल टू 1 है तो पैराबोला होगा, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, हाइपरबोला। तो चारों के लिए मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, व्हाट इज द एंटायर कर्व ऑफ द लेंथ सर्कल। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ इसमें भी कर दी। उसमें ये पूछा गया कि जो सर्कल की एंटायर लेंथ है, ये लेंथ है भाई ये, इसको हम क्या कहते हैं, ये पीछे कर भी चुके हैं हम, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं या परिधि बोलते हैं। ये रहा ए ऑप्शन में, तो ए पे हम टिक कर देंगे, परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, व्हाट इज द टर्म फॉर पार्ट ऑफ ए सर्कल मेकिंग एन एंगल एट इट्स सेंटर। अपने केंद्र में कोण बनाने वाले वृत्त के भाग के लिए क्या शब्द है। समझाने के लिए फिर मैंने आपको एक फिगर बना दी। इसमें कहा है भाई साहब ये आपका सेंटर है, ओ पॉइंट जो है ये क्या, सर्कल का सेंटर है। इस पे से मैंने दो लाइन खींच दी, दो रेडियस आपने खींच दिए,
तो जो ये जो पार्ट बना है इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या शब्द हम यूज करेंगे। ऑप्शन आपके पास सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि, परिधि तो हो नहीं सकता, तो परिधि तो हम इसको बोलते हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेक्टर, यस इसको हम बोलते हैं सेक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो हमने दो डायमीटर खींच दिए, ये इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में बांट देता, दो सेक्टर में, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर यानी कि छोटा सेक्टर, और जो नीचे वाला जो पार्ट बच गया इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर, तो दो सेक्टर बन जाएंगे या इस प्रकार से। तो उसके लिए जो शब्द था वो था सेक्टर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 75। विच वन इज इक्विवेलेंट टू लेंथ पी टाइम्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, व्यास की लंबाई के पाई बार, यहाँ पी नहीं है भाई साहब, ये पूछा गया है किसके बराबर, पाई टाइम्स ऑफ डायमीटर यानी कि पाई को गुणा कर दे डायमीटर से, तो वो जो लेंथ आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, हम कर चुके हैं यार, इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, कितनी बार करें, तो ये इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो तीन बार रिपीट हो चुका है। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है हमारी, पाई गुणा डी, अलग अलग घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो यहां पर क्या पूछा था, विच वन इज इक्वलेंट टू द लेंथ पाई टाइम्स, पी नहीं है ये, पाई टाइम्स पाई गुणा डी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ए पे टिक कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि वीडियो को समझाने में जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझाने में समय तो लगता ही है। मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों के सिर्फ आंसर बताऊं, ऐसे आंसर तो आपको पीडीएफ में मिल ही नहीं जाएंगे क्या। मैं चाहता हूं आप क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ के करो, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेंथी भी हो जाती है, तो थोड़ा सा सब्र रखा करो। लेकिन जो सीबीटी एग्जाम होगा आपका, उसमें जब आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत ऊंची जाने वाली, 90% से ज़्यादा आपके मार्क्स आने वाले हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।